अभी रायपुर शहर पूरी तरह से गेरुआ रंग में रंग चुका है, क्योंकि यहाँ पर श्री धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम जी आने वाले हैं और यहाँ पे उनका दिव्य दरबार लगने वाला है और हमें हनुमंत कथा, श्री हनुमंत कथा सुनने को मिलने वाली है। तो इसकी पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और यह कथा हमें सुनने को मिलेगी 23 जनवरी से 27 जनवरी तक। और ये हमें विवेकानंद विद्यापीठ के सामने गुड़िहारी रायपुर कोटा में ये कथा होना है। तो सनातन के ध्वज को बुलंद करने वाले हिंद सम्राट बागेश्वर धाम पधार रहे हैं हमारे भी रायपुर शहर में। तो आप लोग भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 23 तारीख से आप लोगों को श्री हनुमंत कथा सुनने को मिलेगा और उनके दिव्य दरबार में आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए। यहाँ पे देखिए कालीन बिछना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हनुमंत कथा होनी है और पंडाल अपने आखिरी मतलब तैयारी में लगी हुई है। लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, थोड़ा बहुत काम रह गया है। आज 19 तारीख है और 23 तारीख से कथा होनी है यहाँ पर, तो इसीलिए एकदम काम जोर शोर से चल रहे हैं। देखिए चारों तरफ आप लोगों को काम करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और अभी यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो भी कथा सुनने आए अपने गर्म कपड़े साथ में लेकर आए, क्योंकि अचानक से मौसम बदल गया है छत्तीसगढ़ का, रायपुर का, और यहाँ पे ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। तो आप अपनी पूरी तैयारी से आइएगा, जिससे कि आप लोग को यहाँ पे कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पे देखिए JCB मशीन द्वारा भी सब मिट्टी को लेवल किया जा रहा है, जिससे भक्तों को बैठने में कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। ये देखिए बहुत बड़ा पंडाल बना रहे हैं, तीन पंडाल बना है यहाँ पर भी, डोम शेप में तीन टाइप का पंडाल है। देखिए तो जो भी भक्त हनुमान कथा सुनना चाहते हैं वो 23 तारीख को गुड़िहारी रायपुर में आ जाइए और बागेश्वर धाम जी का कथा सुनिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए झांकी के लिए हनुमान जी की मूर्तियाँ को लेकर आए हैं, यहाँ झांकी बनाया जाएगा। और ये पीछे में पंडाल जहाँ से कथा बोलेंगे, यहाँ पर अभी काम चल रहा है, अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है लेकिन सब लगे हुए हैं काम में। और यहाँ पे देखिए लाइटिंग, हैलोजिन लाइट यहाँ पे लगाया गया है, जिससे कि धीरेन्द्र शास्त्री सब भक्तों को आसानी से दिख सके। ये देखिए यहाँ पे पंडाल बनाया जा रहा है, स्टेज बनाया जा रहा है, स्टेज जहाँ से हनुमंत कथा बागेश्वर धाम जी यहाँ पे बैठ के हनुमंत कथा बोलेंगे। तो उसकी तैयारी पूरे जोरों शोरों से चल रही है। देखिए तो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति आई है, जो झांकिया के तौर पे यहाँ पे लगाया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़े हनुमान जी और उनके दिल में राम और सीता जी की एक मूर्ति यहाँ पे रखी है, इसको भी यहाँ पे लगाया जाएगा। जब पूरा फाइनल तैयार होगा तब देखते हैं इसको कहाँ पे लगाते हैं। और एक बार मैं पंडाल पूरा घुमा के दिखा रही हूँ, देखिए काफी बड़ा पंडाल बना है देखिए, और बहुत से लोग काम में जुटे हुए हैं जिससे जल्दी से जल्दी पंडाल तैयार हो जाए। ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे कालीन झाड़ झाड़ कर बिछाया जा रहा है। ठंड काफी है, आप लोग जो भी आए अपना ठंड का इंतजाम करके आइएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से घेर के बनाया गया है, लग रहा है यहाँ पे कुछ स्टॉल लगाया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे जगह दिया गया है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए पंडाल बनाया गया है, यहाँ पे वॉलंटियर लोगों का मीटिंग वगैरह किया जाता है, तो सामने पे उसकी व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा है 23 से 27 जनवरी 2024। यहाँ पे कार्यालय है, देखिए कार्यालय बनाया गया है, यहाँ लिखा है जूता चप्पल बाहर रखें। और यहाँ पे कार्यालय खुलने का भी समय दिया गया है 11 से 8 बजे तक। ये है एंट्री गेट यहाँ का, देखिए मैं अंदर से दिखा दे रही हूँ और एक बार पूरा मैदान दिखा दे रही हूँ घुमा के। ये देखिए ये पूरा मैदान है,
और जो करवा रहे हैं ये हैं बसंत अग्रवाल जी, समाज सेवक। ये देखिए इनकी बहुत बड़ी एक तो कटआउट लगा हुआ है यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पे होने वाला है। जो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा सुनना चाहते हैं वो 23 तारीख को रायपुर में पधारे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।